चलो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। देखो आज बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में, है ना। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले किसने बताया, सबसे पहले बताया सर एलेक जेफरी ने। सर एलेक जेफरी ने बताया, कब बताया, 1984 में। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले किसने बताया, सर एलेक जेफरी ने बताया, कब बताया, 1984 में, है ना। क्या होती है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, सबसे पहले सवाल क्या आता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती क्या है। तो चलो बताओ कौन बताएगा, क्या होती है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का मतलब होता है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक केमिकल टेस्ट होता है ना। ऐसे लिखते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज अ केमिकल टेस्ट, इज अ केमिकल टेस्ट यूज्ड टू स्टडी, यूज टू स्टडी जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पर्सन। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, एक केमिकल टेस्ट है जिससे आप किसी भी पर्सन का जेनेटिक मेकअप पता कर सकते हैं। जेनेटिक मेकअप का मतलब क्या होता है कि आप उसके डीएनए के बारे में जान सकते हैं। क्यों डीएनए के बारे में जानने की जरूरत पड़ी, पहले क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा क्राइम रेट बढ़ गया था। तो बहुत ज्यादा क्राइम रेट बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि सारे पुलिस वाले क्या है, परेशान हो गए कि पता ही नहीं चल रहा है कि किसने मर्डर किया है, किसने क्राइम किया है। तो तब इस टेक्निक को बनाया गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इस टेक्निक में होता क्या है, मानो एक आदमी है वो किसी के घर गया, है ना। मानो एक घर था, है ना, ऐसे बना देते हैं थोड़ा अच्छा सा, एक घर था और उसमें उस घर में एक आदमी रहता था या बैठा हुआ है सोफे पे। हाँ सोफा भी बना देते हैं लोग, देखो सोफा है उसके पास खड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ मान लो एक सोफा है उसके पास, आदमी खड़ा हुआ है। अब हुआ क्या, यहाँ पे इसके यहाँ पे लगा हुआ है एक सीसीटीवी कैमरा जिससे ये पता पड़ रहा है कि घर के अंदर कौन आ रहा है, बाहर कौन जा रहा है ना। देखिए घर है, ये घर का गेट है, घर के अंदर कौन जा रहा है, बाहर कौन आ रहा है, कैमरे से पता पड़ा कि इसके घर के अंदर आए 5 लोग, इसके घर के अंदर आए 5 लोग, 5 लोग आए। जब पांचवा पर्सन आया, है ना, पांचवा पर्सन के बाल थोड़े लंबे कर देते हैं, जब पांचवा पर्सन आया, बाकी टकले, ठीक है, जब पांचवा पर्सन आया तो उसने पुलिस को फोन किया और उसने बोला कि सर यहां तो इसकी डेड बॉडी पड़ी है, इसे तो किसी ने मार दिया। तो पुलिस वाले भागे भागे आए, जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया और सीसीटीवी कैमरा चेक करके क्या पता चला कि अच्छा मर्डर जब हुआ है उस टाइम पर ये 5 लोग अंदर आए, है ना। लेकिन ये नहीं पता कि इन 5ों ने किसने किया, क्या पता इसने मर्डर करके फोन कर दिया हो, है ना, यहां से चाकू से पेट में मारा और फोन उठा के हाँ सर खून हो गया आ रहे हो सकता है ना ऐसा। तो पुलिस को नहीं पता, है ना। अब ये तो बोल सकता है कि अगर मैंने मर्डर किया होता तो मैं फोन क्यों करता, मैं तो भाग जाता, क्या पता चालाक खूनी हो। तो अब पुलिस ने क्या किया, पुलिस अंदर गई, देखा भाई अगर मर्डर किया है तो कुछ ना कुछ एविडेंस तो होगा। जैसा पुलिस वाले बोलते हैं कि चोर हमेशा कोई ना कोई सबूत छोड़ के जाता है, ऐसे बोलते हैं ना पुलिस वाले, तो मे भी हो सकता है कोई ना कोई कुछ सबूत छोड़ के गया हो, जैसे किसी का बाल टूट के गिर गया हो, लड़ाई हुई है किसी ने किसी के बाल वाल खींचे हो, या अपने बचाव के लिए उसने उसकी स्किन को इस तरह से किया हो तो उसके स्किन की सेल्स उसके नाखून में आ गए हो, या उसके भी कट लग गया और ब्लड सैंपल पड़ा हो, कुछ तो मिलेगा। तो पता पड़ा पुलिस वालों को एक बाल मिल गया, है ना, देखो एक बाल मिल गया छोटा सा, वो एक एक चीज देखते हैं छोटी छोटी, तो एक बाल मिल गया। अच्छा देखो नीले रंग का बाल है, सबके नीले बाल थे ऐसा मान लो, है ना। ये तुम बोलोगे कि बाकी चार तो गंजे थे, हाँ तो तुम बोलोगे बाकी चार तो गंजे थे, ये तो खूनी हो ही नहीं सकते, है ना, ऐसे तो मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। तो भाई सबके बाल बना लो, ठीक है, सबके बाल है भाई, उसके बड़े बाल है ना।
ठीक है, ज्यादा बड़े भी नहीं है, ठीक है, ये तुम बोलोगे बड़ा बाल मिल गया तो, है ना, तुम कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हुआ क्या, पुलिस वालों को एक बाल का सैंपल मिला, है ना, बाल के साथ फॉलिकल आया था। अब कभी भी डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो डीएनए को एक्सट्रैक्ट आप सलाइवा से भी कर सकते हो, हेयर फॉलिकल से भी कर सकते हो, ब्लड सैंपल से भी कर सकते हो, सेल से, डेड सेल्स जो है उनसे भी डिटेक्ट कर सकते हो ना, स्किन की जो सेल्स है, टिश्यूज है, उनसे भी आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। पता चला, नेल से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। तो इन सब चीजों से आप लोग क्या कर सकते हो, डीएनए सैंपल को एक्सट्रैक्ट। ज्यादा भी कुछ नहीं है, तो मैं भी पता पड़ा कि कोई सैंपल नहीं मिला, लेकिन इनमें से जो मटर था वो गुटखाबाज था, और उसने ऐसे खून करते करते पिचकारी मार दी, तो पुलिस तो उसको भी ले जाएगी कलेक्ट करके, इसमें भी डीएनए का सैंपल थूक तो होगा ना, डीएनए का से सलाइवा है, तो डीएनए का सैंपल मिल सकता है ना। दैट मींस पुलिस को मिला एक बाल। अब जब पुलिस को बाल मिला, तो अब पुलिस क्या करेगी, इससे डीएनए एक्सट्रैक्ट कराएगी, ठीक है। जब पुलिस को मिला डीएनए, देखो ये था हेयर, हेयर से निकला डीएनए, ये क्या है, डीएनए। अब डीएनए तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं डबल स्ट्रैंड बना देता हूं। पुलिस को मिला डीएनए। अब इस डीएनए, हर इंसान का डीएनए जो है वो 99.9%, 99.9% सेम होता है हर इंसान का डीएनए, सिर्फ डिफरेंस कितना आता है, 0.1% चेंज आता है डीएनए में। पता चला कितना चेंज आएगा, 0.1%। यानी अगर तुम लोगों का डीएनए और मेरा डीएनए है ना, तो तुम लोगों का तो अलग ही होगा, हमारी स्पीसीज अलग हो गई ना, हाँ। तो अगर तुम लोगों का डीएनए, तो किसी एक का जो डीएनए दूसरे का भी 99.9% सेम ही होगा। जैसे मानो मेरा और ललित का डीएनए, तुम्हारा 99.9% डीएनए सेम है, सिर्फ कितना डिफरेंस है, 0.1%। और उसी डीएनए को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो यही डीएनए क्या होता है हमारा, जो 0.1% डीएनए ना, इसी को बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलेंगे बच्चों, सैटेलाइट डीएनए, हाँ बोलो। वो तो वैसे ही पता पड़ जाएगा इसको डाउन सिंड्रोम है, क्योंकि डीएनए, जब भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं ना, तो सारे क्रोमोसोम को सारे क्रोमोसोम को स्टडी किया जाता है। कोई ब्लड सैंपल या कोई भी सैंपल मिलेगा, तो उसमें सारे क्रोमोसोम मिलेंगे आपको, है ना, तो सारे क्रोमोसोम स्टडी किए जाते हैं। अगर किसी को डाउन सिंड्रोम है, या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है ना, कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, बड़े नकली बाल लगा के आ गया कि मैं तो लड़की हूँ, है ना, कैमरे में आ रहा है कि तो साड़ी पहन के आया तो लड़की है, बाद साड़ी उतार दी, बाल हटा दी, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन वहां पे होगा क्या, जैसे ही उसका डीएनए टेस्ट होगा, मतलब जो डीएनए सैंपल है उसे पता पड़ जाएगा, ये जो इंसान था इसको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम था, या इसको डाउन सिंड्रोम था, या हीमोफीलिया था, जो भी था, तो वो पता पड़ जाएगा वैसे ही कि यार इनमें से किसको हीमोफीलिया, चेक कर लो वही है। हाँ हाँ तभी 0.1% ही रहेगा, तभी 0.1% ही रहेगा। जो 0.1% है वो है सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। कोई सिंड्रोम है, देखो यार नॉर्मल सी बात है, अगर कोई सिंड्रोम है तो डीएनए में हमेशा डिफरेंस होगा, 0.1 नहीं होगा, है ना, हाँ 0.1 नहीं होगा। जैसे आप क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम ले रहे हो, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा है ना, दैट मींस डीएनए में वेरिएशन ज्यादा हो गई, है ना। नॉर्मल हम अगर इंसान की बात करें, ह्यूमन बींग की या नॉर्मल लोगों की, तो उनमें कितना होता है, 0.1% होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। बोलो पता पड़ा। चलो तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखूं, देखो मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या होता है उसको लिख रहा हूं, है ना। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन
आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सिक्वेंस कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए, है ना। देखो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, उसको समझो। ये जो आपका सैटेलाइट डीएनए था, सैटेलाइट डीएनए के अंदर क्या होता है, रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर होता है। कैसे, देखो मानो ये जो जिसका सैंपल मिला है उसमें एटीजीसी सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है, एटीजीसी, ऐसे एक सीक्वेंस मिल रहा है। वो सीक्वेंस हमेशा कहां पे होता है, सैटेलाइट डीएनए। दैट मींस सैटेलाइट डीएनए का जो होता है वो, उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं, है ना। यानी वहां पर क्या हो रहा है, डीएनए का जो सीक्वेंस है बेस पेयर का वो बार बार रिपीट होता है। देखो एटीजीसी, है ना। तो सैटेलाइट डीएनए क्या होगा, वो डीएनए होगा जिसमें एक सीक्वेंस जो है बार बार रिपीट हो रहा होगा, है ना। अब वो 10 बार हो, 100 बार हो, 1000 बार हो, 50,000 बार हो, कितनी बार हो सकता है, है ना। अब हर इंसान का ये जो सीक्वेंस है रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ एवरी पर्सन इज डिफरेंट। हर पर्सन का रिपीटेड सीक्वेंस डिफरेंट होगा। अगर किसी एक इंसान का एटीजीसी है तो दूसरे इंसान का क्या पता एजीसीटी हो या एसीटीजी हो, तो हर इंसान का क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन अगर इसके भी सीक्वेंस बनाए जाए तो इतने ज्यादा नंबर नहीं बनेंगे, है ना। तो इसका मतलब सिर्फ ये जो सीक्वेंस है ये डिफरेंट के साथ साथ इनके नंबर भी डिफरेंट हो सकते हैं। पता पड़ा, सेम सीक्वेंस मेरे और ललित के अंदर एटीजीसी, लेकिन मेरे अंदर 500 सीक्वेंस है, उसके अंदर 492 सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस सेम थे लेकिन उनके नंबर क्या होगा, यूनिट के कम हो गए ना। ये देखो एक यूनिट बनी, दो यूनिट, ऐसी मेरे अंदर कितनी यूनिट है 500, लेकिन उसके बाद पता पड़ा 492 यूनिट्स है। तो पता चल गया ना, पहचान पा रहे हो। हाँ, और ये जो रिपीटेड यूनिट है ये किसमें आती है, सैटेलाइट डीएनए में। अब होगा क्या, ये जो डीएनए मिला है इसका क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। दैट मींस आप क्या कराते हो, डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हो। जैसे ही डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन कराओगे तो अब डीएनए में दो पार्ट होंगे, एक तो बल्क पार्ट होगा और एक लाइट पार्ट। ये जो सैटेलाइट डीएनए ये लाइट पार्ट होता है, लाइट मतलब हल्का, है ना, हल्का पार्ट होता है ना, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो 99% ये बल्क पार्ट है। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन करा रहे हो, उसको रोटेट करा रहे हो, तो जो बल्क पार्ट है वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। और जो लाइट पार्ट है वो क्या करेगा, देखो चालू है, लाइट पार्ट क्या करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा। तो क्या आप इनको एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, यानी आपने सैटेलाइट डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आगे सुनो, आगे देखो, आपका जो सैटेलाइट डीएनए यहां बनाता हूं, सैटेलाइट डीएनए है वो दो तरह का होता है बेटा, वो दो तरह का होता है। एक होता है माइक्रो सैटेलाइट और एक होता है, हाँ बोलो, मिनी सैटेलाइट।
दो पार्ट होंगे, एक होगा माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। अच्छा देखो, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऊपर लिख दूं, देखो इसको मिटा के ऊपर लिख रहा हूं, माइक्रो सैटेलाइट यहां लिख रहे हैं, माइक्रो सैटेलाइट सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट डीएनए इज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कुछ बेसिस होते हैं, जैसे सबसे पहला बेस क्या होगा, बेस कंपोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा, किसी में एटीजीसी है तो किसी में क्या हो सकता है, एजीसीटी हो सकता है, यानी बेस कंपोजिशन कैसे बेस पे अरेंज है ना, दैट मीन अरेंजमेंट ऑफ बेस पेयर। सेकंड क्या हो सकता है, लेंथ ऑफ सेगमेंट का मतलब क्या होगा, कितनी यूनिट्स है, नंबर ऑफ या कितना लंबा सेगमेंट, ऐसे बोल सकते हो आप लोग, है ना। और थर्ड वन नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट्स, कितनी नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट्स रिपीट हो रही है, मानो किसी में हो रही है 400 यूनिट रिपीट, तो किसी में हो सकती है 500 यूनिट भी रिपीट हो सकती है, पता पड़ा। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि किस बेसिस पे आप लोग सैटेलाइट डीएनए को दो पार्ट में डिफरेंशिएट करते हो, तो किस किस में करोगे, सबसे पहले तो बेस की कंपोजिशन, कि बेस पेयर की कंपोजिशन क्या है, सेकंड कितने सेगमेंट की लेंथ कितनी है, एंड थर्ड वन नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, कि कितनी यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, किसी में 400 हो सकती है, किसी में 500, किसी में 1000 भी हो सकती है, तो चेंज होती रहेंगी। अब जो माइक्रो सैटेलाइट होता है बेटा, इसके अंदर 2 से 6 बेस पेयर की यूनिट होती है ना, 2 से 6 बेस पेयर की एक यूनिट होती है, यानी वन यूनिट में ऐसे लिख देते हैं, वन यूनिट में 2 to 6 बेस पेयर होते हैं, है ना। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो बेटा इसमें होती है 10,000 से 1,00,000 यूनिट्स होती है, किसमें, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए में, है ना। मिनी सैटेलाइट डीएनए में एक यूनिट में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 से 100 बेस पेयर होते हैं, 10 से 100। और इसी के अंदर अगर हम लोग नंबर ऑफ यूनिट की बात करें ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ यूनिट की बात करें तो वो होती है आपकी 500 से 30,000 यूनिट्स होती है, पता चला। अरे बोलो, हाँ यार बोलो, यहां तक कोई वो है, डाउट है, पक्का नहीं है, पक्का, चलो। अब देखो, सैटेलाइट डीएनए हमारा यूज हो रहा है किसमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। सैटेलाइट डीएनए दो तरह का है, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। अब इनमें से एक पार्ट है जो हेल्प करेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, वो कौन सा पार्ट होगा, वो पार्ट होगा मिनी सैटेलाइट। कौन सा पार्ट है, मिनी सैटेलाइट। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिनी सैटेलाइट को हम लोग बोल रहे हैं VNTR। तो VNTR किसमें हो रहा है, मिनी सैटेलाइट में। VNTR का फुल फॉर्म बोलो, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, यही होगा ना VNTR, यानी कितने वेरिएबल नंबर। टेंडम का मतलब क्या है, टेंडम का मतलब यही है, ये जो बेस पेयर की यूनिट है ना, ये यूनिट के मतलब ही टेंडम है, कि कितनी यूनिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। बोलो पता चला, क्लियर है, बोलो यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, नहीं है, चलो। तो अब देखे प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, चलो
तो अब बात करते हैं किसके बारे में, प्रोसेस ऑफ, इसको मिटा दूं, क्या ये चीजें समझ आ गई? चलो शाबाश। देखो बेटा अब बात करते हैं किसके बारे में, प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो स्टेप वाइज लिख रहे ताकि फिर हम लोग यहां से पहचान कर पाए, है ना। तो यहीं पे लिखते हैं पहले, फिर वो मिटा लेंगे। हमारा है प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जिसमें सबसे पहला क्या होगा, आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। ये सारी की सारी चीजें पहले मैं लिख रहा हूं, फिर इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको, है ना। सेकंड क्या होता है बेटा, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है इसका दूसरा नाम मॉलिक्यूलर सीजर यानी मॉलिक्यूलर कैची। यही क्या करता है, डीएनए को काटता है। अभी जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना आपका बायोटेक्नोलॉजी, तो वहां पे आएगा ये, बार बार आएगा, है ना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। थर्ड इज सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोर्थ, सदर्न ब्लॉटिंग में हम यूज करते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग हम लोग यूज करते हैं किसको, नाइट्रो सेलुलोज लेयर को, किसको यूज करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज लेयर, है ना। अब नाइलॉन लेयर भी यूज करते हैं, तो आप तो भी नाइट्रोसेलुलोज लेयर को यूज याद रखना, है ना, या बोल सकते हो नाइलॉन लेयर को यूज करते हैं ना। फिफ्थ क्या होगा आपका, हाइब्रिडाइजेशन विथ रेडियो एक्टिव प्रोब। अभी बताऊंगा प्रोब क्या होता है ना। एंड सिक्स्थ, ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, ये छह स्टेप्स होती है बेटा। अब देखो ये छह स्टेप्स कैसे कैसे होती है, मैं वो आप लोगों को बताता हूं। देखो ये छह स्टेप कैसे होंगी, बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान है, आप भी करा सकते हो जाकर के, है ना, ठीक है। हाँ देखो, फॉरेंसिक साइंस अगर पढ़ोगे तो फिर आप लोग भी ये चीजें कराओगे, है ना। अब कराना कैसे है, देखो सुनो, सबसे पहले आपको एक बाल मिला था, क्योंकि अपन ने बाल लिया है, ब्लड भी ले सकते हैं, तो एक हेयर का सैंपल मिला, बोलो पाया चला। अब सबसे पहली स्टेप क्या है, इसमें से डीएनए को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हमने डीएनए निकाल लिया, देखो डीएनए आ गया, एक्सट्रैक्ट किया ना, डीएनए निकाला, है ना। अब पांच लोग थे, याद है घर में गए थे, तो पांचों लोगों का डीएनए लिया अलग से, तो ये वाला डीएनए कौन सा डीएनए, ये वो डीएनए जो साइट पर मिला है ना, यानी क्रिमिनल का, ये क्रिमिनल का डीएनए है ना, क्रिमिनल डीएनए, इसको मैं प्यार से अब सी डीएनए बोलूंगा, सी मतलब क्रिमिनल, तो क्रिमिनल का डीएनए, ठीक है। अब होगा क्या, सबसे पहले इस डीएनए को लेंगे और उन पांच लोगों का डीएनए और लेंगे, है ना, तो उन पांच लोगों का डीएनए ले ले, देखो उन पांच लोगों का डीएनए, एक डीएनए ये आ गया, दूसरा डीएनए ये आ गया, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे और पांचवा ऐसे, पांच लोगों के डीएनए ले लिए अपन लोगों ने,
इतना क्लियर हो गया। अब क्या किया, सबसे पहले क्रिमिनल साइट पे ये जो आपने डीएनए लिया, ये कैसा डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। कैसा है, सैटेलाइट डीएनए, बोलो यहां तक समझ आ रहा है। अब सैटेलाइट डीएनए पे इसके सीक्वेंस देखे, मानो इसके सीक्वेंस मिले एटीजीसी, इसके सीक्वेंस क्या मिले एटीजीसी, है ना। हमें नहीं पता कितने सीक्वेंस है, बस ये पता पड़ा है कितने कौन कौन से सीक्वेंस वाला है, एटीजीसी वाली यूनिट है। बोलो इतना क्लियर हो गया। अब होगा क्या, इन सबका सैटेलाइट डीएनए लिया, ये सारे डीएनए कैसे डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। अब क्या किया जाएगा, डाइजेशन ऑफ डीएनए किया जाएगा, यानी सबके डीएनए को डाइजेस्ट किया गया, डाइजेस्ट किया मतलब काटा गया। तो एक फिक्स सीक्वेंस, मानो यहां से और यहां से काट दिया इसको, है ना, इनको यहां से और यहां से काटा, इसको भी यहां से काटा, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस जो है हर डीएनए का क्या कर दिया गया, कट कर दिया। कौन काटेगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटेगा, तुम तो कैची से काट नहीं सकते हो, एंजाइम का ही काम है काटना, तो स्पेसिफिक साइड से क्या कर रहा है, डीएनए को कट कर रहा है ताकि एक प्रॉपर सीक्वेंस आ जाए। पता पड़ा, यहां तक कोई डाउट है, देखो चालू है। अब क्या होगा, अब होगा थर्ड स्टेप, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब थर्ड, ये फर्स्ट स्टेप हो गई, ये सेकंड स्टेप हो गई, थर्ड है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है, देखो एक प्लेट होगी जिसके ऊपर यहां पर जेल होगा, ये जो जेल है ये जेल है एग्रोस जेल, ये कौन सा जेल है, एग्रोस जेल। हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जेल में क्या है, मॉलिक्यूल इजिली मूव कर पाते हैं, ठीक है। अब एक जगह पे एनोड, एक जगह पे कैथोड, यानी एक पे पॉजिटिव टर्मिनल और एक पर नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब यहां पे ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट है, यहां पे बेसिक मीडियम भी डालते हैं साथ में, क्या डालते हैं, बेसिक मीडियम, क्यों, ताकि डीएनए के जो दोनों फ्रेगमेंट है ना वो अलग अलग हो जाए, इसलिए। तो डीएनए के दोनों फ्रेगमेंट भी क्या कर दिए, अलग, नहीं तो हेलिकल है ना, कैसे स्टडी करोगे, डीएनए का फ्रेगमेंट हेलिक्स है तो एटीजीसी से आपस में कंबाइन है, जब तक अलग अलग नहीं होंगे जब तक कैसे स्टडी करोगे। तो बेसिक मीडियम क्यों डाला, डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए। तो बेसिक मीडियम क्यों डाला है, टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए डाला। क्लियर है यहां तक, चलो शाबाश। अब डीएनए कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए, पता है आपको, तो डीएनए किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। अब यहां पे नंबरिंग लिखी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके, है ना। यहां पे देखो ए पर्सन था, या बी, या सी, या डी और या ई, और सबसे ऊपर थोड़ा नीचे बनाऊ, देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जरा, ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। देखो यहां पर ये तो जिसका मर्डर हुआ है, यानी जो क्रिमिनल है, तो ये तो क्रिमिनल है, तो सी आर एस क्रिमिनल, या मर्डरल लिख लो, है ना, एम लिख लो, एम का मतलब जिसने मर्डर किया है। और ये 5% थे, ए बी सी डी और ई, याद है, ई वाला था जिसके बाल लंबे थे, याद आ रहा है, हाँ। अब होगा क्या, जैसे ही एम को यहां पे डाला और यहां पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, तो पता पड़ा कि एक सीक्वेंस आ रहा है, ये वाला जो मर्डरर था उसका डीएनए आया 2 और 3 पे आके रुक गया, यानी इतना ही मूव कर रहा है। लेकिन बाकी जो है, ए जो है, ए का सीक्वेंस 3 और 4 पे है, बी का सीक्वेंस 3 और 1 पे है, सी का सीक्वेंस 4 और 5 पे है, डी का सीक्वेंस 5th और 3rd पर है, 5th और 3rd पर। ये डीएनए ही लाल वाले, ब्लू वाला मर्डरर उसका था, मर्डरर का, है ना, और ये जो है लाल वाले, ये विक्टिम के भी नहीं, मतलब जिसमें शक है, सस्पेक्ट पर है ना, सस्पेक्ट पर है। और यहां पर भी आया, ये आया सेगमेंट, ये आ गया ई का, दिख रहा है, चलो। अब यहां से आपको तो देख के पता पड़ रहा है सेम किस किस का है, किस किस का सीक्वेंस सेम है, मर्डरर का सीक्वेंस किससे मिल रहा है, इसको थोड़ा ऊपर बना दे, मर्डरर का सीक्वेंस किससे मिल रहा है, ई से, यानी जिसने फोन किया था ना,
वही खूनी है, यानी उसी ने चाकू मारा तो फोन कर दिया हाँ जी आ जाओ, है ना, कोई मार के चला गया चला। लेकिन यहां से देख के नहीं पता पड़ेगा साइंटिस्ट को, यानी जो भी आपका फॉरेंसिक का डॉक्टर है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट पे देख के नहीं पता कर पाएगा इन्हें कि अरे ये तो दिख रहा है, इतना छोटा डीएनए होता है क्या वो तुम्हें दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब क्या करेंगे, अब ये लोग इसके ऊपर सदन ब्लॉटिंग करेंगे। सदन ब्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ डीएनए या एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, या लिख देता हूं ताकि बोर्ड में अगर आएगा तो बच्चे लिख सकते हैं उसको, है ना, जो बोर्ड वाले पढ़ेंगे, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरिक प्लेट, है ना, फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरिक प्लेट। तो इलेक्ट्रोफोरिक प्लेट से डीएनए के एक्सट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग, यानी उनको हटा रहे हैं। कैसे हटाएंगे, ये नाइट्रोसेलुलोज की लेयर है इसको इसके ऊपर बिछा देंगे, ऐसे इसको इसके ऊपर बिछा देंगे। जैसे ही इसको इसके ऊपर बिछाया तो डीएनए क्या हुआ, इससे चिपक गए, और अब इसको उठाया तो अब क्या हुआ, अब आपका ये जो आपका नाइट्रोसेलुलोज की लेयर थी या नायलॉन की लेयर थी, अब उस पर डीएनए आ गए, है ना, ब्लू से बना दूं, जैसा था वैसे ही बना रहा हूं एज इट इज, देखो, और यहां पर ये 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7 ऐसे 10, 20 तक होते, है ना। तो अब होगा क्या, इनको भी बनाए और ये यहां पर और यहां पर, ये यहां पर और यहां पर, और ये वाला यहां पर और यहां पर, ये मर्डर था, ये सारे आपके सस्पेक्ट्स हैं, ए बी सी डी और ई, बोले यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़े, देखो अब क्या होगा, क्या अब पता पड़ेगा, अब भी नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा, अब आपका होगा हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियो एक्टिव प्रोब, हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियो एक्टिव प्रोब। अब प्रोब क्या होगा, प्रोब इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर सीक्वेंस होगा, क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर सीक्वेंस। अब आपके क्रिमिनल के ऊपर क्या मिला था, जो मर्डरर था उसका क्या सीक्वेंस था, एटीजीसी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बनाना पड़ेगा, जो क्या होगा, ए का क्या होगा, टी, टी का ए, जी का सी, और सी का जी का सी और सी का जी, तो टी ए सी जी क्या, एक प्रोब है। अब इस प्रोब, ये प्रोब जो है ये कैसा प्रोब होगा, रेडियो एक्टिव, कैसा होगा ये प्रोब, रेडियो एक्टिव, दैट मीन्स अब इसको रेडियो एक्टिव करा देंगे। अब जब इस प्रोब को यहां पे लेके गए तो टीएजीसी वाला प्रोब कहां आके जुड़ेगा, इनसे जुड़ेगा, क्यों, यही तो सेम है, बाकी तो अलग अलग सीक्वेंस आ रहे हैं, इसमें सेम है, यहां के जुड़ गया, अब रेडियो एक्टिव है। अब क्या होगा, अब ऑटो रेडियोग्राफी होगी, यानी अब इसके ऊपर डल रही है एक्सरेज, क्या डल रही है, एक्सरेज, और अब इसके ऊपर एक्सरेज डालोगे या लाइट डालोगे आप लोग, तो क्या होगा, ये जो रेडियो एक्टिव प्रोब्स है ये क्या करेंगे, ग्लो करेंगे, और जैसे यहां ई वाले के सामने ये ग्लो किए, तुरंत पता पड़ जाएगा, फिर लंबे बाल वाला था ना वो ही खूनी है, पता पड़ा। तो खूनी को पहचानने के लिए कुछ भी नहीं करना, डीएनए लेना है, जो आपका क्रिमिनल है क्राइम सीन पर डीएनए मिला वो लेना है, और जो आपके सस्पेक्ट है उनका डीएनए लेना है, दोनों को लेकर के एक्सट्रैक्ट करके उनमें रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस डाल देना है, वो स्पेसिफिक साइट से कट कर देगा। उसके बाद क्या करना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा देना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद क्या करना, सदर ब्लॉटिंग करा देना, सदर ब्लॉटिंग करने के बाद प्रोब को भेज देना, है ना, रेडियो एक्टिव प्रोब को भेज देना, और उसका एक्सरे डाल दो, पता पड़ गया भैया ये ही खूनी है, इसी पांचवे वाले ने ही खून किया था, पता चला। तो यही क्या होता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, कौन करवा रहा है, मतलब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है
वो किसकी वजह से चेक हो रही है? सैटेलाइट डीएनए। और सैटेलाइट डीएनए में भी कौन है? सैटेलाइट डीएनए में भी कौन सा पार्ट? मिनी सैटेलाइट डीएनए, है ना। और ये जो बार बार बेस पे रिपीट हो रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, यानी कुछ बेस पेयर है। अच्छा सुनो एक चीज और, ये जो बेस पेयर है मैंने चार का बना दिया, जरूरी नहीं है चार के हो, ये पांच के भी हो सकते, छह के भी, दस के भी हो सकते हैं, है ना, दो के भी हो सकते हैं, तीन के भी हो सकते हैं। ऐसा भी होता है एटीजी 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 रिपीट हो रहा हो, ऐसा होता है एटीजीसी एटी एटीजीसी एटी एटीजीसी एटी रिपीट हो रहा हो, समझ पा रहे हो? तो कैसे भी रिपीट हो सकते हैं, पता चला। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरी हो गई? अब बोलो, आज के लिए इतना ही, चलो बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नोट कर लो आप लोग।